मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं बल्कि आजादी का खुला खत है जिसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने लिखा था। उन्होंने इन पंक्तियों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसे साबित भी किया। चंद्रशेखर आजाद की वीरता और बहादुरी के कई किस्से और कहानियां हैं। इन्हीं किस्सों और कहानियों को जानने के लिए हम पहुंचे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क और आनंद भवन, जहां चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी कई यादें हैं। मैं इस वक्त चंद्रशेखर आजाद पार्क के उस स्थान पर खड़ा हूं, जहां आज से ठीक 91 वर्ष पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पे दाग ली थी। यह वही स्थान है जहां उस समय एक विशाल का जामुन का पेड़ हुआ करता था। अब वह पेड़ तो नहीं है, उसे अंग्रेजों ने आजाद की शहादत के बाद कटवा दिया था। उसकी जगह यूपी सरकार ने एक दूसरा पेड़ जो कि जामुन का ही है उसे लगवा दिया है। इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो आजाद की एक आदमकद प्रतिमा है और यह प्रतिमा जो है काफी विशाल काय है। इलाहाबाद म्यूजियम की आजाद गैलरी में धर्मेंद्र गौड़ की लिखी एक किताब आजाद की पिस्तौल और उसके गद्दार साथी में बताया गया है कि वो कौन मुखबिर था जिसने आजाद की अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर अंग्रेजों को दी। आजाद प्रातः 9 बजे आनंद भवन पहुंच गए थे और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के अल्फ्रेड पार्क में आए थे, जहां उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विमर्श अपने साथी सुखदेव राज के साथ करना था। उसी बीच में वीरभद्र तिवारी नाम का एक युवक सामने से गुजरा और उसने तत्कालीन अधिकारी कर्नलगंज शंभुनाथ को खबर करी कि पंडित जी पार्क में मौजूद है। जॉन नाट बाबर और 40 सिपाहियों की टुकड़ी ने आजाद को तीन तरफ से घेर लिया। जवाब में आजाद ने गोलियां चलाना शुरू की। लगभग 39 गोलियां चलाने के बाद और 32 मिनट के जवाबी फायरिंग में एक गोली जब उनके पास बची, उसे उन्होंने अपने कनपट्टी पर दाग लिया और उस संकल्प को पूरा किया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। यह वही घाट है जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को 1931 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी याद में यहाँ एक स्मारक बना दिया गया है और ये वही अंत्येष्टि स्थल है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद पार्क के इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद से जुड़ी कई यादों को सजो कर रखा गया है जिसे देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस वक्त मैं इलाहाबाद म्यूजियम के बाहर खड़ा हूँ। यह वही म्यूजियम है जहाँ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्टल रखी है जिससे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंतिम गोली बचने पर अपनी कनपट्टी पे मार कर हमेशा हमेशा के लिए वीरगति प्राप्त कर ली। इलाहाबाद म्यूजियम जिसकी वजह से प्रसिद्ध है और युवाओं में जिसका सबसे ज्यादा क्रेज है वो है चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्तौल। प्यार से वो उसे बमतुल बुखारा बुलाते थे। चंद्रशेखर आजाद महज एक नाम नहीं थे बल्कि वो आग थे जिसकी तपिश के कारण आज भी नौजवानों के लहू में उबाल आ जाता है, क्योंकि आजाद का व्यक्तित्व देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा विराट रहा है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जब बनाई गई और उसमें भले ही चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, तब भी उन्हीं को नेता चुना गया था। इवन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्बिंग की घटना हुई थी, उस घटना को अंजाम करने के लिए जो पूरा प्लानिंग की गई थी, उसमें जो दिमाग लगा था, उसमें नेतृत्व था चंद्रशेखर आजाद का था। और इसके अलावा काकोरी की घटना जो 1925 में हुई थी, उसमें भी उस घटना को अंजाम, उसको प्लान करने के लिए पूरा काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो उत्तर भारत में या फिर इवन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में जितनी भी अहम घटनाएं हैं 1920 के दशक में, उसमें चंद्रशेखर आजाद की छाप किसी न किसी रूप में है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद आज भी युवाओं के दिलों में बसते हैं। उनके बारे में हर कोई जानना, पढ़ना और उनसे जुड़ी चीजें देखना, सुनना चाहता है। इसी को देखते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में 10 करोड़ की लागत से बनी और चंद्रशेखर आजाद को समर्पित आजाद गैलरी बनकर तैयार है, जो जल्द ही देश को समर्पित होगी। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके बारे में कुछ आप वीडियो में परिचय ले चुके हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ विस्तार से डिटेल और हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन चंद्रशेखर जी ने अपना जो
बलिदान दिया था 27 फरवरी 1931 को। आज ही के दिन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। वह अल्फ्रेड पार्क में अपनी साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को पार्क से बाहर निकाल दिया और करीब 20 मिनट तक पुलिस से मुकाबला करते हुए वे मुकाबला करते रहे। आजाद की पिस्तौल में आखिरी गोली बची थी, उन्हें खुद पर चला दी। निधन के समय उनकी उम्र मात्र 24 साल थी। वह अक्सर कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही हैं, आजाद ही रहेंगे। आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भावरा गांव में हुआ था। उसका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनसे उनका नाम पूछा गया। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से नाराज होकर जज ने चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। आजाद की यह पिस्तौल इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, इस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो लास्ट की गोली बची थी उस गोली को अपने ऊपर चलाया था और यह पिस्तौल इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल को बमतुला बुखारा नाम दिया था। इसका निर्माण अमेरिकन फायर आर्म बनाने वाली कोट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1903 में किया था। ठीक है, इसका निर्माण 1930 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आजाद चंद्रशेखर के जन्म से शहादत तक की कुछ टाइमलाइन है वो हम आपको बता रहे हैं। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा में जन्म हुआ था। 1920 14 साल की उम्र में बनारस आ गए और संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। 1920-21 गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे और 15 साल की उम्र में जेल भी गए। 14 ये मारे जाने की सजा सुनाई। ठीक है, 1922 गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया। आजाद नाराज होकर ग्राम दल में जुड़ गए। 1924 राम प्रसाद बिस्मिल, शशि चंद्र सेनल, योगेश चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना, आजाद भी इसमें जुड़े रहे। 9 अगस्त 1925 दोस्तों, 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंद लाल, बनवारी लाल, मनमाथन नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर काकोरी डकैती को अंजाम दिया। दोस्तों, जो काकोरी घटना हुई थी उसमें भी अहम रोल था चंद्रशेखर आजाद जी का। 19 सितंबर 1927 आजाद तो वही पकड़े गए, लेकिन काकोरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 8 सितंबर 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त सभा हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर HRSA कर दिया गया और भगत सिंह को प्रचार प्रमुख बनाया गया। आजाद इस दल के कमांडर इन चीफ बने। 8 अप्रैल 1929 आजाद के नेतृत्व में यह भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया और गिरफ्तारी हुई। 23 दिसंबर 1929 आजाद से बिना पूछे यशपाल ने दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। वो तो बच गया लेकिन कई कर्मचारी मारे गए। आजाद इससे काफी नाराज हुए। 29 मई 1930 क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा बम बनाते हुए ब्लास्ट में शहीद हो गए, जिससे आजाद को बड़ा झटका लगा। 1930 भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी के पास भेजा, लेकिन
लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। 27 फरवरी 1931 आनंद भवन में नेहरू से मिलकर लौटे आज़ाद को अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। उन्होंने अंत तक सामना किया और फिर खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुछ टाइमलाइन थी जो जन्म से और उनकी शहादत तक इस तरह से पूरी हुई। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में हम वीडियो लाएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।